वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। इन दिस वीडियो लेसन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट न्यूट्रिशन इन प्लांट, जो कि स्टैंडर्ड 7 के साइंस बुक का पहला टॉपिक है, न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो आज के इस क्लास में हम लोग इसी को समझने की कोशिश करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम अपने आसपास जितने भी सजीव वस्तुएँ देखते हैं, जिसमें कि कुछ ना कुछ लाइफ प्रोसेस होता है, उन सभी को अपने लाइफ प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए, अपने डेली एक्टिविटी को कंटिन्यू करने के लिए कुछ न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। तो ये न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलती है? तो न्यूट्रिशन से मिलती है, पोषण से मिलती है। ओके, तो ये पोषण जो है, जितने भी लिविंग थिंग्स है उसको ये पोषण कहाँ से मिलती है और किस तरीके की पोषण की ज़रूरत होती है लाइफ प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए। ओके, तो इन सब चीज़ों को जो है हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। और इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग देखेंगे कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स को जो न्यूट्रिशन मिलता है वो कैसे मिलता है। ओके, तो हम लोग का फोकस इसी चीज़ पर होगा कि प्लांट्स में जो न्यूट्रिशन होता है वो कैसे होता है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे एक पॉइंट हम लोग को नोट कर लेना है कि व्हाट इज लाइफ प्रोसेस। ओके, तो यहाँ पे दिया हुआ है लाइफ प्रोसेस क्या होता है। देखिए, ऑल लिविंग बींग्स रिक्वायर एनर्जी फॉर कैरी आउट वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। दीज एनर्जी इज ऑब्टेन्ड बाय द केमिकल ब्रेकडाउन और ऑक्सीडेशन ऑफ फूड सब्सटेंसेस इन ऑल सेल ड्यूरिंग रिस्पिरेशन। दीज आर नॉन एज लाइफ प्रोसेस। तो हम लोग इसको लिखेंगे कैसे, व्हाट इज लाइफ प्रोसेस को? तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ऑल लिविंग बींग्स रिक्वायर एनर्जी फॉर कैरिंग आउट लाइफ प्रोसेस। दिस एनर्जी इज ऑब्टेन्ड बाय द केमिकल ब्रेकडाउन और ऑक्सीडेशन ऑफ फूड सब्सटेंसेस इन ऑल सेल ड्यूरिंग रिस्पिरेशन। दीज आर नॉन एज लाइफ प्रोसेस। ओके, तो लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या हुआ कि जो एनर्जी हमको डेली लाइफ एक्टिविटी के लिए ज़रूरी है, तो वो एनर्जी हमको जो मिलता है केमिकल ब्रेकडाउन से या फिर ऑक्सीडेशन से, जिस जो कि हम लोग सांस लेते हैं, जो रिस्पिरेशन होता है उसके द्वारा जो मिलता है, उन सारे प्रोसेसेस को हम लोग बोलेंगे लाइफ प्रोसेस। ओके, तो देखिए उसके बाद हम लोग देखते हैं द वेरियस लाइफ प्रोसेसेस आर न्यूट्रिशन एक्जर्शन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन। ये सारा का सारा लाइफ प्रोसेस कहलाता है। ओके, तो इस चैप्टर में जो बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे, प्लांट्स के लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट्स के न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो देखिए प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है। द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड बाय एनिमल एंड प्लांट्स विच प्रोवाइड देम एनर्जी फॉर वर्क। ये तो हम लोग जानते ही हैं कि जो भी हम लोग फूड खाते हैं या प्लांट्स के पास वो न्यूट्रिएंट्स पहुंचता है, उससे क्या होता है, उसको एनर्जी मिलता है, उससे वो कुछ काम करता है। हेल्प इन देयर ग्रोथ एंड कीप देम हेल्दी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। अब देखिए यहाँ पे न्यूट्रिशन का जो है हमको एक डेफिनेशन दिया हुआ है, इसको आप लोग अपने नोट्स में भी डाल सकते हैं या फिर इसको समझने की कोशिश करें। द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड बाय एनिमल एंड प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स और एनिमल के द्वारा फूड को लेने का जो प्रोसेस है, ओके, जो कि उनको एनर्जी प्रोवाइड करता है फॉर वर्क, ओके, और देयर ग्रोथ, उसके डेवलपमेंट के लिए और उसको हेल्दी रखने के लिए जो एनर्जी प्रोवाइड करता है, उसी को हम लोग बोलेंगे न्यूट्रिएंट्स। तो आप लोग इसको लिख भी सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड बाय एनिमल एंड प्लांट्स विच प्रोवाइड देम एनर्जी फॉर वर्क हेल्प इन देयर ग्रोथ एंड कीप देम हेल्दी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ओके, आई होप कि आप समझ रहे होंगे। द न्यूट्रिएंट्स एनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रोथ, टू रिपेयर डैमेज पार्ट ऑफ देयर बॉडीज एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस। सो देखिए न्यूट्रिएंट्स क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स ऑर्गेनिज्म को उतना एनर्जी प्रोवाइड करता है जिसके हेल्प से क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी को डेवलप कर सकता है। ओके, उसका जो कुछ सेल पार्ट्स जो बॉडी का डैमेज हो गया उसको रिपेयर कर सकता है, और जो डेली लाइफ एक्टिविटी के लिए ज़रूरी है एनर्जी, वो भी न्यूट्रिएंट्स से मिलता है। ओके,
तो अब देखिए, आई होप कि आपको न्यूट्रिएंट्स समझ में आ गया होगा। न्यूट्रिएंट्स को हम लोग सबसे ये समझेंगे कि न्यूट्रिएंट्स जो है वो चीज़ है जिसकी ज़रूरत हमें अपने डेली लाइफ एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए होता है। और ये न्यूट्रिएंट्स मिलता कहाँ से है, तो विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, तो आई होप कि आप समझ रहे होंगे। अब देखिए, न्यूट्रिशन जो होता है ये दो तरीके से होता है। ओके, बेसिकली देखिए, देयर आर बेसिकली टू वे बाय विच प्लांट्स एंड एनिमल्स डेराइव न्यूट्रिशन। यानी कि प्लांट्स और अदर एनिमल, फॉर एग्जांपल ह्यूमन भी उसमें आ सकता है और दूसरा एनिमल भी आ सकता है, प्लांट भी आ सकता है। इन सब को जो न्यूट्रिएंट्स मिलता है वो कैसे मिलता है, ठीक है? तो वो दो तरीके से मिलता है न्यूट्रिएंट्स। ओके, उसको हम लोग दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। पहला है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और दूसरा है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो इसको हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ओके, तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन देखिए क्या होता है, ये बेसिकली प्लांट्स में पाया जाता है, ठीक है? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब हुआ कि खुद अपने से अपना न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करना, ठीक है? यानी कि वो किसी दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होता है, खुद से अपना भोजन अपने लिए बनाता है और अपना पोषण करता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। ओके, देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है बुक में आपके। दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज फाउंड इन ग्रीन प्लांट। ये बेसिकली ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है ये ग्रीन प्लांट में पाया जाता है, ठीक है? इसमें क्या होता है कि एन ऑर्गेनिज्म मेक्स इट्स ऑन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इसमें क्या होता है कि ग्रीन प्लांट जो है अपने लिए अपना न्यूट्रिशन खुद तैयार करता है। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। तो देखिए, ग्रीन प्लांट जो अपना न्यूट्रिशन तैयार करता है, अपना पोषण तैयार करता है, उसमें कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि सबसे पहला सब्सटेंस क्या है इसमें, देखिए वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है और क्लोरोफिल है एंड सनलाइट है। तो ये चार चीज़ के हेल्प से जो है प्लांट में ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। ओके, अब ग्रीन प्लांट्स जो है दे प्रोड्यूस देयर ऑन फूड देमसेल्फ, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स और ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। क्योंकि देखिए, ग्रीन प्लांट जो है वो अपना जो भोजन है वो खुद से प्रोड्यूस करता है, बनाता है, वो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहता है। ओके, इसीलिए इसको ऑटोट्रॉप्स भी बोला जाता है या फिर ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म भी बोला जाता है। ओके, तो आई होप कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आपको समझ में आ गया होगा कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मतलब सिंपल सा मतलब है कि वैसा ऑर्गेनिज्म जो कि अपना न्यूट्रिशन खुद से बनाता है और अपना जो है डेवलपमेंट को श्योर करता है। ओके, और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है कि वो जो है किसी दूसरे के द्वारा बनाया गया न्यूट्रिएंट्स को, यानी भोजन को, फूड को वो लेता है और फिर जो है वो अपने डेवलपमेंट को श्योर करता है, तो वैसे को बोलेंगे हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। फॉर एग्जांपल कि प्लांट्स तो अपना भोजन खुद बनाता है, फॉर एग्जांपल कि किसी हम फ्रूट्स के प्लांट्स के बारे में बात करें तो फॉर एग्जांपल मैंगो का ट्री, तो वो तो अपना भोजन खुद से बनाता है, तो वो हो गया हेटरोट्रॉपिक। लेकिन हम क्या करते हैं, उस मैंगो को हम लोग खा लेते हैं। ओके, तो हम लोग किस पे डिपेंडेंट हैं, उस मैंगो के प्लांट पे, तो हम लोग हो गए हेटरोट्रॉपिक। हेटरोट्रॉपिक्स न्यूट्रिशन हम लोग को जो मिला वो हो गया हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो इसको भी हम लोग आगे के चैप्टर में देखेंगे, पहले हम लोग समझ लेते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को जो कि प्लांट में होता है। तो प्लांट में बेसिकली ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। अब इसमें कैसे होता है, इस प्रोसेस को हम लोग डिटेल्स में समझेंगे। ओके, तो देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है बेसिकली ग्रीन प्लांट में होता है, और ग्रीन प्लांट में ये जो होता है वो चार जो है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के हेल्प से होता है, ठीक है? पहला है वाटर, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है क्लोरोफिल और चौथा है सनलाइट, ठीक है? इन सब के हेल्प से जो न्यूट्रिशन तैयार होता है, ठीक है, वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। ओके, और इस ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है? आप लोगों ने नाम सुना होगा फोटोसिंथेसिस का, प्रकाश संश्लेषण जिसको बोलते हैं।
तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस देयर ओन फूड। ठीक है, जिस प्रोसेस के हेल्प से ग्रीन प्लांट्स अपना फूड खुद प्रोड्यूस करता है, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ओके, तो फोटोसिंथेसिस में किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है? तो चार चीज़ की ज़रूरत होती है, वाटर की, कार्बन डाइऑक्साइड की, क्लोरोफिल की और सनलाइट की। ये चार चीज़ के हेल्प से जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट होता है। ओके, तो देखते हैं कि इन चारों चीज़ों को भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। पहला है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है? इट इज़ द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीव्स। क्लोरोफिल जो है एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि प्लांट के ग्रीन लीव्स में पाया जाता है। ठीक है, ग्रीन लीव्स में एक पिगमेंट टाइप का होता है जो कि ग्रीन लीव्स में पाया जाता है, जिसके वजह से ही जो है प्लांट का लीफ जो है वो ग्रीन दिखाई पड़ता है। ओके, द ग्रीन कलर ऑफ लीफ इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल के वजह से ही ग्रीन कलर में दिखाई देता है प्लांट्स का लीव्स। इट इज़ जनरली प्रेजेंट इन द स्पेशल सेल कॉल क्लोरोप्लास्ट। तो देखिए, लीव्स के बारे में आप लोग ने प्रीवियस क्लास में पढ़ चुका है, पार्ट्स ऑफ लीव्स। तो लीव्स में एक सेल होता है जिसका नाम होता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो ये जो क्लोरोफिल नामक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है वो लीव्स के क्लोरोप्लास्ट वाले सेल में रहता है। ओके, इट ट्रैप द एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट। इसका काम है कि सन से जो एनर्जी आ रही है उसको जो है ट्रैप करना, अपने में ग्रैप करना और फिर उसको फोटोसिंथेसिस के लिए इस्तेमाल करना। ओके, तो दूसरा जो है सनलाइट है। तो सनलाइट के बारे में पता ही है कि सनलाइट कम्स फ्रॉम द सन, इट इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी, इट इज़ द नेसेसरी एज इट प्रोवाइड्स द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन। ठीक है, तो सनलाइट का सोर्स कहाँ से है? सन से है। और उस सन के सोर्स से क्या होता है? हमको एनर्जी मिलता है, सॉरी प्लांट्स को एनर्जी मिलता है, और जिसके हेल्प से जो है जो रिक्वायर उसमें केमिकल रिएक्शन है वो उसमें परफॉर्म होता है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट है इसमें सब्सटेंस वो है कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है इट इज़ ऑब्टेंड फ्रॉम द एटमोसफेयर थ्रू द स्टोमाटा। अब देखिए, लीव्स में क्या होता है, एक और सेल होता है जिसका नाम है स्टोमाटा। ठीक है, एक सेल था जिसमें कि मैंने बताया था आपको कि क्लोरोफिल पाया जाता है जिसका नाम था क्लोरोप्लास्ट। ओके, और एक सेल होता है जिसका नाम है स्टोमाटा, जिसके हेल्प से एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है ग्रीन प्लांट्स के द्वारा। ओके, सॉरी, ये जो स्टोमाटा होता है वो लीव्स में जो एक टाइनी पोर्स होता है, एक नहीं ढेर सारे टाइनी पोर्स होते हैं। ठीक है, लीव्स में बहुत सारे टाइनी पोर्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसको हम लोग स्टोमाटा बोलते हैं। ठीक है, मैंने बताया कि सेल होता है, ऐसा नहीं है। क्या होता है कि स्टोमाटा जो है लीव्स में जो है बहुत टाइनी टाइनी पोर्स होते हैं, छेद होते हैं बहुत छोटा छोटा, उसी को हम लोग स्टोमाटा बोलते हैं, जिसके हेल्प से क्या होता है कि एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व किया जाता है ग्रीन प्लांट्स के द्वारा। ओके, तो इस यदि हमसे पूछा जाएगा कि बताइए व्हाट इज स्टोमाटा, तो हम बोलेंगे द व्हाट इज स्टोमाटा, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि टाइनी पोर्स ऑन द लोअर साइड ऑफ द लीव्स इज कॉल्ड स्टोमाटा। ओके, तो हम लोग इसको लिख भी सकते हैं व्हाट इज स्टोमाटा, तो टाइनी पोर्स ऑन द लीफ साइड ऑफ द लीफ, लोअर साइड ऑफ द लीफ, ओके, इज कॉल्ड स्टोमाटा। उसके बाद जो चौथा सब्सटेंस है, इट इज अनदर इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, वाटर जो है वो जो है सबसे लास्ट में दिया हुआ है, चौथे नंबर में, ये भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। इट इज ऑब्जर्व फ्रॉम द सॉइल थ्रू द रूट सिस्टम। रूट सिस्टम के बारे में भी आप लोग पढ़े हैं प्रीवियस क्लास में। तो वाटर कहाँ से ऑब्टेन होता है प्लांट्स को, तो थ्रू द रूट सिस्टम। द रूट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए मेन प्राइमरी रूट्स, रूटलेट्स और सेकेंडरी रूट्स एंड रूट्स हेयर। इन सब के हेल्प से जो है प्लांट जो है वाटर को ऑब्जर्व करता है सॉइल से। ओके, और क्या करता है, फाइनली उस सॉइल को जो है डिफरेंट पार्ट से अपने लीव्स में पहुंचाता है, जहां पे कि फाइनली एक रिएक्शन होता है जिसको हम लोग फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन ही बोलते हैं। यहां पे आपको यहां पे ये दिख रहा होगा
कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल सनलाइट, तो यहाँ से क्या बनता है, स्टार्च बनता है, स्टार्च बनता है प्लस ऑक्सीजन बनता है। ठीक है, तो ये फाइनली आपका ये हो गया फोटोसिंथेसिस का केमिकल रिएक्शन। ओके, तो आई होप कि आप समझ रहे होंगे। यदि कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट्स में बताइएगा, उसको मैं फिर से डिफाइन करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।